यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। इनेलो की ओर से रविवार को सम्मान रैली का आयोजन किया गया था और ताऊ देवीलाल की 105वीं जयंती पर यह कार्यक्रम भी आयोजित किया गया और रैली भी बड़ी की गई। गोहाना में 350 एकड़ जमीन पर इस रैली का आयोजन किया गया था। इस रैली में इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला ने भी शिरकत की। ओम प्रकाश चौटाला ने 4 साल बाद किसी रैली में शिरकत की है। इस रैली में इनेलो के बड़े नेता भी मौजूद रहे। इनमें अभय चौटाला का नाम सबसे पहले आता है। इसके अलावा सांसद दुष्यंत चौटाला भी यहाँ पर दिखे हैं। रैली में यहाँ पर सभी नेताओं ने अपनी तरफ से कुछ ना कुछ बातें कही। रैली को संबोधित करते हुए अगर बात करें अभय चौटाला की, तो उन्होंने कहा कि इनेलो 1987 वाला इतिहास दोहराएगी। दौरान भी जब कांग्रेस के समर्थन थे
इंडियन नेशनल लोकल पार्टी खत्म हो जाएगी। आप लड़ाई के पात्र हैं कि आपने मेरी गैर हाजिरी में संगठन को पहले के मुकाबले में ज्यादा मजबूत बनाया। 3200 पढ़े लिखे लोगों को नौकरी लगाने की वजह से मुझे 10 साल की सजा दी गई। अब मैं आपसे वायदा करता हूं कि हर पढ़े लिखे युवक को, चाहे वो किसी जाति का है, किसी वर्ग का है, किसी धर्म और मजहब को मानता है, चाहे उस पढ़े लिखे युवक के माँ बाप ने किसी कारण वोट या कहीं भी दिया हो, हम वोट की राजनीति नहीं करेंगे। हर पढ़े लिखे युवक को उसकी योग्यता के हिसाब से अच्छे पद पर बिठाने का काम करेंगे। सब बच्चों को हम नौकरी देंगे, चाहे उन्हें फांसी टूटना पड़े। स्वर्गीय चौधरी जजवाल जी का जन्म दिवस हम सम्मान दिवस के रूप में मनाते हैं और उनके प्रति अपनी श्रद्धा और आस्था व्यक्त करते हुए समूचे राष्ट्र के लोगों के मन में एक विश्वास पैदा करते हैं